अब मिलते हैं एक ऐसे बेटे से जो अपनी मम्मी के लिए बना रहा है रोटियां। भाई सबकी मम्मी रोज रोज किचन में खाना बनाती है, लेकिन एक दिन क्यों ना कुछ अलग किया जाए, आज मम्मी के लिए कुछ बनाया जाए। और ऐसा ही कुछ स्पेशल कर रहे हैं सीरियल बालवीर के बालवीर यानी देव जोशी अपनी मम्मी के लिए। देखिए कैसे मम्मी की तरह मम्मी के लिए रोटियां सेकी जा रही हैं, मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, मम्मी के लिए खास बड़ी सी थाली रखी जा रही है। और ये सारा सरप्राइज बालवीर ने रखा है सास बहू और बेटिया के साथ, जो अपनी मम्मी को लेकर आया है मुंबई के महाराजा भोग में एक संस्कारी से लंच पर। सास बहू बेटिया के साथ हम यहाँ आए हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों के साथ। यानी आज एक मदर्स डे भी है और एक फैमिली डे भी है। शूटिंग में से ऑफ लेकर आज हम यहाँ पर महाराजा भोग में आए हैं, जस्ट एंजॉय करेंगे और फैमिली टाइम बिताएंगे। शूटिंग की वजह से हम लोग साथ में कहीं जा नहीं पाते ज्यादा, तो ऐसे टाइम मिल जाए तो बहुत एंजॉय करते हैं। और थैंक यू सो मच भाई। आज मम्मियों का दिन है तो उनके लिए कुछ खास किया जाए, इसलिए महाराजा भोग की ये बड़ी सी थाली देव जोशी ने रखी है अपनी मम्मी के लिए। इतनी बड़ी थाली आज तक हमने नहीं देखी और महाराजा भोग ने स्पेशली हमारे लिए ये डिज़ाइन की है, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इतनी बड़ी डिश, हम सब अलग अलग डिश में तो खाते ही है, साथ ही साथ ये देखिए। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी थाली में यूजुअली हम घर पे नहीं खा सकते, क्योंकि अलग अलग डिश में सब खाते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे गुजराती थाली इतनी सारी चीज़ें एक साथ पूरी फैमिली एक ही डिश में से खाएगी। सरप्राइज़ सिर्फ यही नहीं है, सरप्राइज़ तो अब अंदर जाके आपको असली में पता चलेगा। मैं और पापा मम्मी के लिए स्पेशल खाना बनाने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ, देखिए कैसे बनाते हैं हम हमारी मम्मी के लिए मदर्स डे पे स्पेशल खाना। चलो साहब आप कुछ अलग हटके करते हैं, मम्मी अपने हाथों से आपको रोटियां बनाकर खिलाती हैं, लेकिन आज मम्मी के लिए रोटियां बनाई जाए। किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोटी बनाना, क्योंकि रोटी के बिना हर चीज़ अधूरी होती है। तो आज हम हमारी मम्मी के लिए स्पेशली रोटी बनाएंगे, मैं और पापा हमारी मम्मी के लिए आज स्पेशली रोटी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं रोटी, चलो। फाइनली देव ने अपने पापा के साथ मिलकर रोटियां बनाई। अब चलते हैं देव की मम्मी के पास और जानते हैं कि उन्हें रोटियां कैसी लगी। जैसे भी है प्यार से बनाई है तो 10 में से 10 मिलेंगे, और अच्छा लगेगा कि रोज तो हम बना के खिलाते, आज हमारे बच्चे ने हमारे लिए बनाया। हाँ गोल कम बनी है कहीं कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट इट्स ओके, आई लव इट, थैंक यू भाई। जब रोटियां बन गई हैं तो बाकी चीजें भी तैयार है, तो चलिए महाराज भोज की इस बड़ी सी थाली का आनंद उठाते हैं। वैसे खाने पर खाने के साथ साथ देव और उसकी मम्मी ने पर्दे के बालवीर की रियल जिंदगी के बारे में जाना। हाँ घर पे बहुत अच्छे से बना लेता, कभी मेरे लिए चाय बना लेता है और मैगी बनाता है अच्छी सी, कभी पिज्जा बनाता है, नया नया सीखा है। और मेरी फेवरेट चीज़ें वो पूछता है कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी रेडी कर लेता है, तो अच्छा लगता है। मदर्स डे एक दिन के लिए नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। जब से आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपका हर दिन मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे होता है, क्योंकि मदर को आप एक दिन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पूरी लाइफ उसके जो उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए कम है। तो थैंक यू सो मच मम्मी मेरी इतनी तारीफ करने के लिए, एंड थैंक यू। आज मैंने आपके लिए रोटी बनाई है, आप हमेशा हमारे लिए रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आज मैंने बनाई मुझे पता चला। थैंक यू मम्मी, बहुत मेहनत करती है आप हमारे लिए, थैंक यू सो मच, लव यू। वैसे पर्दे पर बुराई पर अच्छाई जीतने वाले बालवीर यानी देव रियल लाइफ में कैसे हैं, ये उनकी मम्मी ने बताया। प्यारी वाली शैतानियाँ होती है, जैसे कि मेरे लिए कभी सरप्राइज करना, मेरे लिए कुछ मेरा फेवरेट होता है पूछता रहता है क्या है क्या है, और फिर सडनली ला के दे देना, और बस वही शैतानियाँ होती है, मगर प्यारी वाली होती है तो मुझे अच्छी लगती है। होती ज़रूर है, क्योंकि गाड़ी अगर सर्विस में ना जाए तो ठीक से चलती नहीं है गाड़ी की सर्विस तो होनी चाहिए, तो महीने दो महीने में सर्विस होती रहती है, तो गाड़ी भी ठीक से चलती है और प्रॉब्लम भी नहीं होती है भाई खाना बनाकर देव ने अपनी मम्मी का दिल जीत लिया, और इसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर किया डिनर। ये देख के मुझे भी मेरी मम्मी बहुत मिस हुई, और नाइस देव, थैंक यू।
यस सास बहू बेटिया आज तक के द्वारा मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा हैप्पी मदर्स डे। और सबसे ज़रूरी बात अपने मदर की रिस्पेक्ट करें क्योंकि वही है जिनके कारण आज आप इस दुनिया में हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर, उनकी हमेशा सेवा करें, वो जो चाहती है वो हमेशा करें एंड कीप हर हैप्पी ऑलवेज, उनका दिल कभी मत दुखाइए। ठीक है, खुश रहो सब लोग, खुश रहो। थैंक यू सो मच।